नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। लखनऊ से नेपाल को जोड़ने वाला हाईवे 6 लेन होगा, केंद्र ने दी मंजूरी। खबर है लखनऊ से। राजधानी से नेपाल को सीधे जोड़ने वाला हाईवे 6 लेन किया जाएगा। अभी यह हाईवे 2 लेन है, केंद्र सरकार ने इसको 6 लेन करने की मंजूरी दे दी है। यह हाईवे बहराइच में बनाया जाना है। इसकी पुष्टि बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह ने की है। जलवल से रूप डीहा नेपाल बॉर्डर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। यह मार्ग 2 लेन है। इसके 4 लेन का प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन अचानक चीन और नेपाल की नजदीकी बढ़ने और देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस हाईवे को 6 लेन करने का फैसला किया है, ताकि जरूरत पर आवश्यक मदद आसानी से नेपाल बॉर्डर पर पहुंचाई जा सके। अंतिम संस्कार के बाद मौन धारण कर रहे थे कि तभी हमेशा के लिए मौन हो गई 18 जिंदगी। खबर गाजियाबाद से। जिले के मुरादनगर में बारिश के कारण शमशा घाट की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में करीबन 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई, जो अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। जिला प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। DM अजय शंकर पांडे ने इस हादसे में 18 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इस घटना के बाद से कई परिवारों में मातम का माहौल है। कुछ लोग अपनों को मलबे में तलाशते नजर आए हैं। 49 करोड़ की लागत से बनेगी नगर निगम की हाईटेक 5 मंजिला इमारत। खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या को सवारने में लगी नगर निगम का जल्द ही कायाकल्प होगा। 14 जनवरी को अयोध्या नगर निगम के नवनिर्मित बिल्डिंग के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हो सकता। शनिवार को इसके डिजाइन का प्रेजेंटेशन पेश किया गया। नगर निगम की हाईटेक 5 मंजिला इमारत की लागत करीब 49 करोड़ रुपए होगी, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। यह मल्टीपर्पज बिल्डिंग होगी, जिसका निर्माण 80,000 वर्ग मीटर में होगा। केंद्र सरकार किसानों के बीच अहम बैठक से पहले यूपी के 17 जिलों में भेजे गए सीनियर पुलिस अफसर। खबर लखनऊ से। बीते 39 दिनों से किसानों का कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज 4 जनवरी को किसानों और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक होनी है। इसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अनचाही घटना न हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को मैदान में उतारने का फैसला किया। यूपी के 17 जिलों में यूपी पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर तैनात किए जाएंगे, जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच की अहम बैठक के दौरान किसानों की गतिविधि पर नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की घटना होने से रोकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्विटर पर छा गए, जानिए पूरी खबर। खबर लखनऊ से। नए साल का आगाज हो चुका, एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई। लेन देन के सिलसिलों के बीच एक बार फिर ट्विटर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहस के केंद्र में है। साल के दूसरे दिन ट्विटराइज ने न केवल योगी के नए यूपी की सराहना की, बल्कि योगी आदित्यनाथ को CM नंबर 1 का खिताब दे दिया। शनिवार को दोपहर बाद से देर रात तक योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर टॉप 10 में रहे। लोगों ने योगी को नीति और नियत की खुलकर सराहना की। इसी के साथ इंडिया ट्रेंडिंग में योगी जी नंबर 1 ट्रेंड करता है। लोगों ने यूपी की कानून व्यवस्था को शानदार बताते हुए योगी की जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों को बेल नहीं जेल पसंद होने की बात कही। तो कईयों ने वीडियो कॉल में चीन से यूपी शिफ्ट हुई तमाम कंपनियों के हवाले देते हुए उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश लिखा। सोशल मीडिया पर लोगों ने योगी को ईमानदार, विजनरी, साफ गोई और दृढ़ संकल्प वाला नेता कहा। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। खबर है नोएडा से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। हाल कंपाती ठंड, कोहरे और बारिश समेत कई मुसीबतों के बावजूद दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए। किसान पहले ही तमाम परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन रविवार सुबह शुरू हुई बारिश उनके आंदोलन पर मुसीबत बनकर बरस रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश भी उनके सब्र का इंतहा ले रही है। नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए उस समय समस्या खड़ी हो गई, जब आज सुबह बारिश फिर से होने लगी। बारिश से खुद को बचाने के लिए कुछ किसान भागकर टेंट के नीचे पहुंचे, तो कुछ टोली के नीचे छिप गए। संतों ने मुस्लिमों से मांगी संपत्ति, कहा जो हिंदुओं का है उसे दे दो, नहीं तो आंदोलन होगा। खबर है वाराणसी से। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले वाराणसी पहुंचे संतों ने मुस्लिम समाज से हिंदुओं की सारी संपत्ति वापस लेने की अपील की है। कहा कि जो हिंदुओं का है उसे दे दो, नहीं तो जिस तरह से अयोध्या लिया है
वैसे ही बाकी भी ले लेंगे। संतों ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज हमारी बात नहीं मानेगा तो आंदोलन होगा। 2 जनवरी से वाराणसी में आयोजित हुई अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में देश भर के साधु संत शामिल हुए। बैठक में काशी विश्वनाथ, ज्ञानवासी विवाद सहित लव जिहाद और अन्य धार्मिक मसलों पर मंथन के साथ ही राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की गई। देश का नया स्टार्टअप हब बन रहा यूपी, 3 साल में 22,000 लोगों को मिला रोजगार। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश देश का नया स्टार्टअप हब बन रहा। प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत नए बिजनेस स्थापित करने के लिए योगी सरकार युवाओं को प्रेरित भी कर रही है। इसी का नतीजा है कि जहां 2017 के पहले पूरे प्रदेश में महज 200 स्टार्टअप ही स्थापित हो चुके थे, वही केवल 3 साल में 17 गुना अधिक बढ़कर कुल 3,406 स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। इससे करीब 22,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। गोरखपुर में 15 जनवरी को लगता महीना लंबा खिचड़ी मेला, लाखों की संख्या में आते हैं लोग। गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने को लेकर प्रचलित है यह मान्यता। खबर है गोरखपुर से। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में हर साल 14 जनवरी को खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। यह मेला मकर संक्रांति से लेकर 1 महीने तक मंदिर परिसर में लगता है। मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। इस बार भी यह खिचड़ी मेला आयोजित किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि यह मेला कोरोना काल में आयोजित हो रहा है, ऐसे में मेले को लेकर खास तैयारियां बरती जा रही है। वहीं इस मेले को लेकर अलग तरह की मान्यता है, जिस कारण हर साल गोरखपुर में भव्य खिचड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार खिचड़ी मेले पर करीब 6 लाख का खर्च प्रस्तावित है। स्वस्थ होने पर ही लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, जाने डोज की पूरी प्रक्रिया। खबर है मेरठ से। कोरोना वैक्सीन देने की पूरी तैयारी मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी उसको देने का तरीका क्या है और वह किन किन लोगों को दी जाएगी, किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके बारे में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण गौतम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगाई जाएगी। पहले डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। स्वस्थ होने पर ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, कोरोना संक्रमित मिलने पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यूपी में 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी आप, योगी सरकार पर साधा निशाना, गठबंधन पर आया बड़ा ऐलान। खबर है मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली, जिसके चलते आपने प्रदेश में कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने यूपी की सरकार पर जाति और धर्म पर जनता को बांटकर जंगल जाम कायम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से शुरू कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं, 14 जनवरी को बैठक के बाद घोषित हो सकती है तारीखें। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च या अप्रैल में हो सकती है। फिलहाल यह तय है कि परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के बाद ही होगी। बोर्ड परीक्षाओं को कराए जाने की तैयारियों और तारीखों पर फैसला लेने के लिए 10 दिन बाद बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है। बोर्ड परीक्षा के लिए पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का इंतजार हो रहा है, वहीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें भी आनी है। बीजेपी ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी, 6 क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त। खबर है लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी ने गांव के सरकार के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर बेहद गंभीर और रविवार को 7 प्रभारियों को नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रविवार को लखनऊ में थे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने प्रभारियों के नाम पर मुहर लगाई। यह प्रभारी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले पार्टी की तैयारी को धार देंगे। निजी हाथों में होगी TTI रनिंग रूम की जिम्मेदारी। खबर है गोरखपुर से। रेलवे स्टेशनों पर टिकट जांच कर्मचारियों के लिए स्थापित रनिंग रूम के संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में होगी। लखनऊ जंक्शन के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के TTI रनिंग रूम के कायाकल्प की भी तैयारी शुरू कर दी। अब प्राइवेट कर्मी ही रनिंग रूम की सफाई, रखरखाव और खानपान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
गर्म कंबल पाकर खिले निर्जन महिलाओं के चेहरे, खबर लखनऊ से। राजधानी सहित यूपी के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही, इसी के साथ रात में ठंड का तापमान नीचे ही गिरता जा रहा है। ऐसे में निर्धन वर्ग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के महानगर क्षेत्र की स्लम बस्ती पंत नगर एवं इंद्रप्रस्थ नगर के निर्धन वर्ग के परिवारों में रविवार को शिव मंदिर प्रांगण में गर्म कंबल का वितरण किया गया। प्रदेश के सभी जनपदों में वन स्टॉप सेंटर हो रहे संचालित, खबर लखनऊ से। निदेशक महिला कल्याण मनोज कुमार राय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2016-2017 में किया गया था। योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समस्त आवश्यक सेवाएं, जैसे पीड़ित महिला को अल्प प्रवास चिकित्सा सहायता, परामर्शी सेवाएं, विद्युत सहायता एवं पुलिस सहायता इत्यादि एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाना। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिली सातवीं किस्त, खुद कर सकते हैं चेक, खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त का पैसा नहीं मिल सका। अकेले बरेली मंडल में 30,000 से ज्यादा और लखनऊ मंडल में 53,000 से ज्यादा किसान अभी तक निधि की राशि पाने से वंचित है। इसकी वजह डाटा फीडिंग की गड़बड़ी है, जिसके चलते किसी किसान के गाँव के आगे की तहसील गलत हो गई तो किसी का आधार नंबर में मिस्टेक है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण हुआ, जिसके स्थानीय स्तर पर टिक कर पाना संभव नहीं। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी कहते हैं कि ऐसी शिकायतें प्रदेश के कई अन्य मंडलों और जिलों से आ रही है। कैंप लगाकर ऐसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। 31 मार्च तक सभी को खाते में पैसे पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीद, बोले आज की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा आंदोलन, खबर है नई दिल्ली से। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 39वें दिन भी जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते वे अपने घर नहीं लौटेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हालांकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि किसानों के साथ आज होने वाली बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्या का हल निकलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आज बातचीत होगी और आंदोलन का समापन होगा। DDA का आम जनता को सस्ते फ्लैट का तोहफा, 1 लाख रुपए से है शुरुआत, ऐसे करें आवेदन, खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नए साल पर 1,354 फ्लैट की स्कीम लॉन्च की है। निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए यह स्कीम है। दिल्ली के द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, जसोला और मंगलपुरी जैसे इलाकों में DDA ने इस फ्लैट का निर्माण कराया है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के कायल हुए इयान चैपल, कह दिए बड़ी बात, खबर है नई दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे की तारीफ की और कहा कि वह बहादुर, स्मार्ट और शांत खिलाड़ी है। भारत ने रहाणे की कप्तानी दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि भारत को पहले टेस्ट मैच में हार मिली थी और दूसरे मैच में वह अपने नियमित कप्तान तथा शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली के बिना उतरी थी। रहाणे ने उस टेस्ट मैच से पहले 2 बार टीम की कप्तानी की थी और दोनों बार जीत हासिल की थी। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख फर्जी पहचान पत्र रद्द, खबर है इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के इमरान सरकार ने अफगानी शरणार्थियों को लेकर एक सख्त कदम उठाते हुए करीब 2 लाख लोगों के कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द कर दिया। पाकिस्तान सरकार की ओर से अफगान शरणार्थियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास 15 लाख अफगान शरणार्थियों का रिकॉर्ड है। चीन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा चीनी कंपनियों को न्यूयॉर्क एक्सचेंज से हटाया तो कार्रवाई करेंगे, खबर है बीजिंग से। अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही, अब चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। बीजिंग ने कहा कि यदि अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से चीनी कंपनियों को हटाया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। NYSE द्वारा चीन की 3 बड़ी दूरसंचार कंपनियों को एक्सचेंज से हटाने की घोषणा के बाद चीन ने यह चेतावनी दी है। चीन के इस धमकी के बाद दोनों देशों में पहले से जारी तनाव बढ़ सकता है। अगले 3 दिनों तक इन 35 जिलों में होगी बारिश, भीषण ठंड, अलर्ट जारी, खबर लखनऊ से। मौसम के तेवर दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। साल 2021 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। लखनऊ समेत कई जिलों में आधा डिग्री तक पहुंचे तापमान ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया।
दिन और रात में तो ठंड का प्रकोप जारी ही है। दोपहर के वक्त भी निकलने वाली धूप भी कोई खास राहत नहीं दे पा रही है। बची खुशी कसर बारिश ने पूरी कर दी। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में 3 जनवरी की तड़के सुबह बारिश ने दस्तक दी, जिससे गलन बढ़ गई। पश्चिम यूपी के कई इलाकों में तो ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। हालांकि बारिश ने वायु में फैले प्रदूषण का सफाया हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 2-3 दिनों में बारिश के आसार बने रहेंगे और ठंड बढ़ेगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन करने के बच्चे चंद दिन जाने एग्जाम से संबंधित पूरी डिटेल। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए केवल 2 दिन बचे हुए हैं। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वे जल्द अप्लाई करें। छात्र जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर माध्यम से बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2021 तक है। अब नैनीताल की सैर होगी आसान। 6 जनवरी से दौड़ेगी काठ गोदाम एक्सप्रेस स्पेशल। खबर है लखनऊ से। नैनीताल जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ से काठ गोदाम एक्सप्रेस स्पेशल 6 जनवरी से फिर पटरियों पर दौड़ेगी। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन सप्ताह में 5 दिन होगा। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।